हमीरपुर में आज सैकड़ों लोगों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने मांग की है कि तमाम कंपनियां उनका जमा धन लेकर भाग गई हैं। इस धन को वापस दिलाए जाने के लिए बर्ड्स एक्ट बना है, इसके तहत फॉर्म जमा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनका धन वापस नहीं कराया गया तो सभी लोग 23 मार्च को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। ज्ञापन सर हम लोगों ने आज माननीय जिलाधिकारी जी को दिया है। बर्ड्स एक्ट के तहत हमीरपुर जनपद में एक काउंटर खोला गया था कि सभी के कंपनी जो जिनका पैसा लेकर के भाग गई हैं उनका पैसा सभी का मिलना था बर्ड्स एक्ट के तहत। तो हम लोग 26 दिसंबर को यहां पर एक ज्ञापन दिए थे माननीय जिलाधिकारी को, उसके तहत जो है तब से अभी तक जो हमारे बराबर फार्म जमा होते रहे हैं, लगभग 1.5 लाख फार्म जमा हो चुके हैं। और लेकिन उस फार्मों में अभी तक जो है माननीय सर ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, न किसी कंपनी को अभी तक इन्होंने पकड़ा है, न ठगों को पकड़ा है। उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि पद पट्टिका लगवाएं और उन ठगों के साथ कार्रवाई करें जिससे हम सभी जनता को पैसा मिल पाए। अगर हमारा ये नहीं कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए जो है हम 23 मार्च एक निर्धारित किया है कि देशव्यापी सभी लोग जो है माननीय मोदी जी के यहाँ कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर जो है हम लोग जा रहे हैं और उनसे अपनी पीड़ा बताएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम बच्चीलाल प्रजापति, जिला अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमीर।